वेलकम फ्रेंड्स, तो आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि किंग ऑफ फाइटर्स 15 अब तक क्यों नहीं आया, इसीलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाई है और मुझे यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद गेम को लेकर आपकी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, वीडियो पर भी इसे लाइक कर दो और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो जैसा कि आपको पता है कि अगस्त 2019 में SNK ने ईवो के एक इवेंट के दौरान हमें सिर्फ किंग ऑफ फाइटर्स 15 का टाइटल दिखाया था और उसके बाद बताया गया था कि गेम 2020 में रिलीज़ होने वाला है, लेकिन पेंडेमिक की वजह से गेम की रिलीज़ डेट डिले हो गई और उसके बाद से हमें अभी तक किंग ऑफ फाइटर्स 15 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। लेकिन हाल ही में कुछ लीक्स से पता चला है कि गेम 80% कम्प्लीट हो चुका है और गेम के बारे में भी कुछ लीक्स आई हैं, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ वही लीक्स शेयर करूंगा जो वाकई में सच्ची हो सकती है और बाकी यूजलेस लीक्स के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो ये गेम 3-on-3 फॉर्मेट पर होगा, मतलब हर टीम में 3 फाइटर्स होंगे और ना ही कोई स्ट्राइकर होगा और ना ही टैग जिस तरह से 2003 में हुआ करते थे। और ये गेम PS5 के प्लेटफॉर्म के लिए रिलीज़ होगा और इसके ग्राफिक्स किंग ऑफ फाइटर्स 14, टेकन 7 और समुराई शोडाउन से बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और एक और मज़े की बात, जिस तरह से किंग ऑफ फाइटर्स 97 और 98 में हमारे टीममेट्स पीछे से हमें चेयर कर रहे होते थे, हो सकता है इस गेम में भी हमें वही सिस्टम देखने को मिले, लेकिन हमारे टीममेट्स पीछे से मैच में इंटरप्ट नहीं कर सकेंगे और इस टूर्नामेंट को एंटोनोव नहीं बल्कि रूगल का बेटा एडलहेड होस्ट करेगा। और अब सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात, इस गेम का फाइनल बॉस होने वाला है ओमेगा रूगल, और जो लोग सोच रहे हैं कि ओमेगा रूगल वापस कैसे आ सकता है वो ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके वर्ड सागा वाली वीडियो देख लें। पहले एडलहेड ओमेगा रूगल को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन एडलहेड की हार के बाद हमें रूगल को हराना पड़ेगा। और इस गेम की जनरल एंडिंग से हमें ये पता चलेगा कि अगले गेम्स में नेस्ट और दोस्त फ्रॉम दी पास्ट वापस आ सकते हैं। फिर से अगर आप जानना चाहते हैं कि नेस्ट और दोस्त फ्रॉम दी पास्ट कैसे वापस आ सकते हैं, ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके वीडियो देख लो। इस गेम में भी हमें किंग ऑफ फाइटर्स 14 की तरह स्पेशल इंट्रोज देखने को मिलेंगे जिनमें वॉइस्ड डायलॉग्स होंगे। और एक और मज़े की बात, करेक्टर सिलेक्ट स्क्रीन में आप जो भी करेक्टर सिलेक्ट करेंगे आपको उसके स्पेशल मूव्स दिखाए जाएंगे, बिल्कुल इस तरह जिस तरह से टेकन 7 में दिखाए जाते हैं। और अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक में कि इस गेम में कौन कौन सी टीम्स आने वाली हैं और उनकी क्या स्टोरी हो सकती है। सबसे पहले तो इस गेम में पूरी 22 टीम्स होंगी। सबसे पहली टीम होने वाली है टीम जापान, क्यो, बेनीमारू और डायमंड, और ये लोग हर टूर्नामेंट में सिर्फ इसीलिए इंटर होते हैं क्योंकि इन्हें टूर्नामेंट जीतना होता है। और सेकंड टीम है टीम ओरोची, आयोरी, मिचोर और वाइस। मिचोर और वाइस ने आयोरी को ओरोची का न्यू होस्ट बना दिया है, मतलब अब ओरोची जब भी जिंदा होगा वो आयोरी की बॉडी का यूज़ करेगा। इसके बाद है टीम फैटल फ्यूरी, टेरी, एंडी और जो। और इसके बाद आती है आर्ट ऑफ फाइटिंग टीम, रियो, रॉबर्ट और यूरी। इसके बाद आती है साइको सोल्जर्स टीम जिसमें आते हैं अतीना, कैंसू और चिन कैंसाई। और नेक्स्ट टीम है इकारी टीम, राल्फ, क्लर्क और लियोना। लेकिन इस टूर्नामेंट में हाइड्रेंट के भेजे हुए सिर्फ यही एजेंट्स नहीं होंगे बल्कि एक और एजेंट्स टीम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी जिसमें होंगे मैरी, रेमोन और वेनेसा, और हो सकता है हाइड्रेंट खुद भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करे। नेक्स्ट टीम है वुमेन्स फाइटर टीम जिसमें होंगे किंग, माई और जरीना। इस टीम की भी इतनी कोई खास स्टोरी नहीं है। इसके बाद आती है के टीम जिसमें होंगे के डैश, कूला और मैक्सिमा। तो दोस्तों अब आते हैं कुछ मज़ेदार टीम्स पर। पहली टीम है शंघाई टीम जिसमें होंगे शैन, ऑसवर्ल्ड और ड्यूलॉन। और इसके बाद आती है रिंग स्पोर्ट्स टीम जिसमें होंगे टाइजॉक, नेल्सन और गाय। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टीम है क्रिमिनल्स टीम जिसमें होंगे जनार्डो, चोई और चैंग। इनकी भी इतनी कोई खास स्टोरी हमें अब तक नहीं पता। नेक्स्ट टीम है केम्स टीम जिसमें होंगे किम, लुओंग और मे। फ्रेंड्स, वीडियो के साथ साथ पीछे ऐश की पिटाई भी देखते रहना। तो नेक्स्ट टीम है टीम साउथ टाउन जिसमें होंगे कीस, हॉवर्ड, बिली, केन और हेन। और इस टूर्नामेंट में फीमेल्स की एक और टीम आने वाली है जिसका नाम है डॉटर्स ऑफ मार्शल आर्ट्स जिसमें होंगे ली, शियांगफी, कसूमी और हिनाको। नेक्स्ट टीम है ऑफिशियल इन्विटेशन टीम जिसमें होंगे एंटोनोव, सेल्वी और मियान। लास्ट टूर्नामेंट हारने के बाद एंटोनोव का घमंड टूट चुका है और अब वो एक टीम में पार्टिसिपेट करने वाला है। नेक्स्ट टीम है टीम चाइना जिसमें होंगे शूने, मीटिंग, कुन और चेंग। इसके बाद आती है टीम होली जिसमें होंगे नेजेट, शिंगो और चिजुरू। नेजेट किंग ऑफ फाइटर्स 14 में एज अ DLC कैरेक्टर आई थी,
अब नैजेट को लगता है कि किंग ऑफ फाइटर्स 15 टूर्नामेंट में कुछ इवेल्स आने वाले हैं, जिस वजह से उसने चिज़ुरु के साथ इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है। इसके बाद एक बहुत ही मज़ेदार टीम, अगर वो इस टूर्नामेंट में आ जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टीम है टीम मिस्टीरियस, जिसमें होंगे कुकरी, एलिजाबेथ और ऐश। इसके बाद आती है एक और मज़ेदार टीम, टीम द गैंग, जिसमें होंगे यामाज़ाकी, मिस्टर बिग और जैक। और ये लोग इस टूर्नामेंट में इसलिए पार्टिसिपेट करेंगे ताकि मिस्टर बिग किस हॉवर्ड से अपना बदला ले सके। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी लीग्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप इन्हें खुद से पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर ये लीग्स ट्रू हैं तो गेम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि SNK ने ऑफिशियली हमें किंग ऑफ फाइटर्स 15 के टाइटल के अलावा कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन गेम डेवलप होते हुए इतना टाइम हो चुका है तो ये बात तो पक्की है कि गेम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और लीग से हमें ये भी पता चलता है कि गेम 80% कम्प्लीट हो चुका है, तो हो सकता है हमें इस न्यू ईयर में गेम का ट्रेलर देखने को मिल जाए। और मेरे हिसाब से गेम 2021 के स्टार्ट या मिड में रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। और वॉइस क्वालिटी थोड़ी ख़राब होगी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि सर्दी आ चुकी है और मुझे ज़ुकाम है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये वीडियो और मेरा गेम प्ले कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।